अभी अभी हमारे दुकान पे एक प्रेस ठीक होने के लिए आया है, जो कि कस्टमर का कहना है कभी यहाँ से हिलाते हैं तो लाइट आ जाता है, कभी नहीं आता है। तो आप इस फॉल्ट को कैसे रिपेयरिंग कर सकते हो, मैं इसके बारे में आपको नॉलेज दूंगा और स्वयं खुद कर सकते हो हमारे वीडियो देख के। तो वीडियो देखे पूरा और अपना प्रेस खुद रिपेयरिंग कर सकते हो। तो फाइनली हम इसमें लाइट दे देंगे। लाइट देने के बाद देखते हैं, यहाँ पे ऑटो कट का होता है सिस्टम, अभी भी लाइट नहीं आया। तो देखते हो कि हमारा जो है प्रेस में लाइट आ चुका है, यही हिलाते हैं तो चला जाता है। तो इस तरह का फॉल्ट ज़्यादातर हमारा तार में देखने को मिलता है। तो आप इसको तार को यहाँ से काट के आप कैसे जोड़ सकते हो, मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो गाइस वीडियो पूरा देखें। अब ये इसको खोलने के लिए फाइनली हम इसको निकाल देंगे प्लग को, क्योंकि करंट का डर रहता है, इतना ध्यान रखना। प्लेट करंट जो है किसी के लिए नहीं होता, इसलिए आप जब भी काम करते हो हमेशा तार निकाल कर करें। तो इसको खोलने के लिए हमारा जो दिख रहा है यहाँ पे एक पेच है, ये खोलेंगे तो हमारा बाहर आ जाएगा। तो गाइस हम इसको खोल देंगे, नट को खोल दिया और इसका पीछे वाला हिस्सा बाहर आ गया। इस तरह का फॉल्ट जितना होता है गाइस ये हमारा तार का ही होता है, ये ध्यान रखें। तो आपको तार के बारे में बता देता, ये हमारा मेन तार होता है, ये भी हमारा मेन तार होता है, और ये हरी वाली दिख रहा है ये हमारा अर्थिंग का पोल होता है। ये जो सिरा है इस पर ना जोड़े और ना तो इस पर जोड़े, आपको कनेक्शन करना है घर पे तो पहले फ़ोन में फ़ोटो खींच ले फिर आप इसका कनेक्शन करें, ये ध्यान रखें। तो फाइनली हम यहाँ से काटेंगे और इतना काट के जाके के तार जोड़ेंगे। देख सकते हो कि हमने तार को काट दिया, ये सिल्वर में तार है ये ध्यान रखें। फाइनली हमने तार को काट दिया, अब यहाँ से इतना उड़ाएंगे फिर इसमें जोड़ेंगे। तो लगाते टाइम ध्यान रखना है, अगर आप नीली भी नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि देख सकते हो कि अपने आप ये टूट रहा है। तो ये जो हमारा तार है ख़त्म हो चुका है, तो आप ये दो तार से भी काम कर सकते हो। तो फाइनली मैं दो तार ही लगा के आपको दिखाता हूँ कि आप प्रेस को तार कैसे चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से छिलूँगा और यहाँ पर जोड़ मार दूँगा तो ये कम्प्लीट हो जाएगा। ये जो हमारा तार ब्रेकेज है ये देख सकते हो कि यहाँ से हमारा कट चुका है, देख सकते हो। तब यहाँ से छेल देंगे, देख सकते हो टूट गया। तो यहाँ से छेलेंगे फिर नया तार निकालेंगे फिर इसमें डालेंगे यही तार। ये जो हमारा नीली वाला तार है वो भी ठीक निकला, शुरू शुरू में टूट रहा था अपने आप पे, लेकिन ये भी तार सही निकला। ये भी नहीं जोड़ोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जब तार सही है तो हम तीनों को कनेक्शन कर देंगे। अब कनेक्शन करने के लिए इसको भी छेल लेंगे इस तार को, फिर इसी में जोड़ के स्लिप वायर देंगे। तो इस तरह का तीन स्लिप वायर काट लेंगे और इस तार में डाल देंगे, या तो यहाँ पर डालें या तो यहाँ पर डालें, आपको जैसा सुविधा है उस हिसाब से इसको पहना सकते हो इसमें। तो फाइनली हम इसमें यहाँ पहना देंगे। तो भाई अब नीली वाला तार कामयाब नहीं है, देख सकते हो कि अपने आप टूट रहा है भूस भूस करके। तो हम इसका कनेक्शन नहीं करेंगे, हम दो ही तार में इसको कनेक्शन करेंगे, क्योंकि यही मेन होता है नीली हमारा बॉडी अर्थिंग होता है, ये नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। तो देख सकते हो कि हमने इसमें स्लिप वायर पहना दिए गाइस, इसलिए मैं पहना रखा हूँ ताकि हम जोड़ मारेंगे तो आपस में जोड़ नहीं सटे, और प्लस हमारा तार भी सही रहेगा और हमारा करंट भी नहीं आएगा प्रेस में। तो देख सकते हो कि हमने तार को जोड़ दिए, अगर यही कॉपर में तार होता ये हम ये इस तरह का जोड़ नहीं देते, डायरेक्टली हम यहाँ पे टाका मार देते तो हमारा जो है ये जोड़ हट जाता। लेकिन गाइस ये हमारा सिल्वर में तार है इसलिए इस तरह का जुगाड़बाजी करना पड़ता है। तो फाइनली हम इस कैप को आगे की तरह ठेल देंगे ताकि जो हमारा है सही से इसमें ग्रिप बना लें। अब ये हमारा तार जो है लग के तैयार हो गया, अब इसमें लाइट रख के देखते हैं। अब देख सकते हो कि हमारा लाइट दे दिया, अब देख सकते हो कितना भी लाएँगे तो हमारा जो है लाइट नहीं जा रहा है। तो आप इस हिसाब से तार को चेंज कर सकते हो खुद अपने घर पे। ध्यान रखें कि लाइट जो है किसी के लिए नहीं होता, तो लाइट से सावधान रहेगा, ये ध्यान रखें जब भी आप इस तरह का सिस्टम आप घर पे रिपेयरिंग करते हैं। तो फाइनली गाइस हम इसको कस देंगे तो हमारा जो है प्रेस बिल्कुल ओके हो चुका है। तो गाइस आप अपने घर पर इस तरह तार चेंज कर सकते हो। और फाइनली ये जो मॉडल होता है फ्लांचा प्रेस होता है, जो कि एक भारी ताला होता है, इसको ज़्यादा दबाव कपड़े पर नहीं देना पड़ता है, सही स्मूथली प्रेस करता है, ये ध्यान रखें। तो बिल्कुल सही है ये जो होता है हमारा, ये ऑटो कट का सिस्टम होता है, ज़्यादा कम गरम करना होता है तो इसका समझ इसका लहे सिस्टम है, ज़्यादा करना तो उस साइड कर दो, कम करना तो इस साइड कर दो, ये इसका इंडिकेशन होता है। फाइनली अब दोबारा चेक कर लेते हैं और फिर दोबारा इसको उठाते हैं।
देखते हो हमारा लाइट आ चुका है। फाइनली गाइस आप इस हिसाब से प्रेस को सही कर सकते हो। अब बिल्कुल ओके हो चुका है, हम कस्टमर को दे देंगे कस के, ये ध्यान रखेगा गाइस।